नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि बैंक एम्प्लाइज आरआरबी एम्प्लाइज का डीए रेट विथ इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 24 टू जनवरी 25 क्या होगा। एक्चुअली सीपीआई इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर जो जुलाई अगस्त सितंबर माह पे डिपेंड करता है, उसमें हमारे पास सितंबर माह का भी सीपीआई इंडेक्स अनाउंस हो गया है, रिलीज्ड हो गया है। अकॉर्डिंगली हम देखें तो जुलाई का सीपीआई इंडेक्स 142.70 था, अगस्त में 0.10% कम होके 142.60 हुआ और सितंबर में ये 143.30% हुआ। और अकॉर्डिंगली 12th बाइपार्टाइट के हिसाब से जब हम डीए कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी 19.83%। और जो हमारा प्रेजेंट डीए रेट चल रहा है वो 17.20% है और इस हिसाब से जो नेट इंक्रीज होगा दैट विल बी 2.63%। और हमारे जो डीए चार्ट है वो भी रिलीज्ड हो गया है, जो मैं प्रयास करूंगा कि आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाए या मैं लिंक दूंगा, उस लिंक के जरिए आप देख सकते हैं कि आप जिस बेसिक पे हैं ऑफिसर्स क्लेरिकल कैडर, उस हिसाब से उस बेसिक की क्रॉसपॉन्डिंग आप डीए जो देख सकते हैं। और चूंकि ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपका डीए 2.63% इंक्रीज हुआ है। फ्रेंड्स, बैंक पेंशनर्स का, बैंक रिटायरीज का चूंकि 6 महीने पे चेंज हो जाता है तो उनका फरवरी 25 से चेंज होगा और अकॉर्डिंगली जब और 3 महीने के आपके पास सीपीआई इंडेक्स आ जाएगा। सो दिस इज फॉर द बैंक एम्प्लाइज, वर्किंग बैंक एम्प्लाइज और आरआरबी एम्प्लाइज। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।